खबरदार, हम कश्मीरी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने बारामूला के अंदर तिरंगा झंडा तुलंद करके पाकिस्तानियों को वहां से भगाया। साथियों, इस तिरंगे झंडे के लिए कितनी कुर्बानियां दी, ऐसा तो चिराग जैसा डर कौन भूल सकता है। इसी लाल चौक के नजदीक जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी तिरंगे झंडे के लिए डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब ने कुर्बानी। इसी तिरंगे झंडे के लिए कश्मीर की सरजमीन के नौजवान लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब कुर्बान हो गए। इसी तिरंगे झंडे के लिए चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब कुर्बान हो गए। इसी तिरंगे झंडे के लिए इंस्पेक्टर अरशद आयुष शहीद हुए। पहले सोना के रहने वाले अशोक कादरी साहब, सैफुल्ला कादरी साहब शहीद हुए। वो चाहे हमारी बहन खुशबूदान थी, वो हमारी बहन इशरत मुनीर थी, वो हमारी बहन अमीन भट्ट थी, वो इसी तिरंगे झंडे के खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। एक जमाना था जब इस्लाम चौक में आना मुश्किल था, आज एक जमाना है जब पूरा कश्मीर आज इस लाल चौक में मौजूद है। ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो कहते थे इस कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। मैं कहता हूं जितना सफलदार कश्मीरी है, जितना हुक्म मंत्री का झंडा कश्मीरी के अंदर है, शायद ही किसी के अंदर हो। नबी रहमत ने फरमाया है कि हर शख्स के दिल में हुक्म वकील का जज्बा होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। और नबी रहमत साहब के अगर किसी ने फरमान को दिल से माना है, ये हमारे साथी, ये कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय। मैं आप तमाम साथियों को इस बड़े दिन की मुबारक देता हूँ। ये एक नई शुरुआत है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं युवा मुफ्ती साहब, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और बाकी तमाम हिंदुओं को ये शहर खोल के सियासत बंद होनी चाहिए। लोगों के दिल में मोहब्बत प्यार से दिल जीतना है, ये तो इस्लाम अंग्रेजी है, ये बंद होना चाहिए। मैं आज इस्लाम चौक के अंदर ये जो जन सैलाब है, एक जन समुंदर इस्लाम चौक के अंदर लगे है, मैं इसको देखते हुए एक बात पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आने वाले असेंबली इलेक्शन में रियासत जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर की अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कश्मीर और जम्मू की जनता के प्यार से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से ये तिरंगा भी और ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो कि खलझील में खिलता है, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने बड़ी शान और शौकत से ये कमल का फूल कश्मीर में अब खिल चुका है। आपका